हेलो फ्रेंड मैं हूं इमरान और आई ए एस पी में आप सभी का स्वागत है जैसे कि फ्रेंड्स हमारे ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एसएससी एस के लिए जो इसमें मैंने पहले से ही सात पार्ट करवा रखे हैं जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है वहाँ पर सब अपडेट है और उसमें भी मैंने लगभग फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन करवाए हैं तो सभी लोगों को वो देखने चाहिए अटैम्प करना चाहिए प्रैक्टिस करनी चाहिए ये टाइम प्रैक्टिस का है जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा आप एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए और लगाया करिए देखिए आपको कितना आता है और जिसे नहीं आता है वो नोट कर लीजिए और जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा केवल प्रैक्टिस कर ले कुछ तो उसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गई और दूसरी बात ये है कि एक बोल रहे थे कि ये सर अलग से एस एस सी के लिए भी कुछ करवाइए तो देखिए ये जो क्वेश्चनस है ये सिर्फ एस एस के लिए ही नहीं है एसएससी एस का कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे वो जीडी हो या फिर स्टेनो हो या फिर एमटीएस हो या फिर सी हो सी हो सभी में यही क्वेश्चंस आते हैं यही रिपीट होते हैं यही हमारी जीएस होती है इवन दो एसएससी के अलावा ये रेलवे में हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पी प्लिस सी का एग्ज़ाम हो और जी सब में वही होती है बस ये है कि इसमें थोड़ा स्टैटिक आ जाता है एक्स्ट्रा उसमें कम आता है हालांकि जी तो वही होती है हिस्ट्री भी वही होगी पॉलिटी भी वही होगी जोग्राफ़ी भी वही होगी साइंस भी वही होगी इकोनॉमिक्स भी हुई होगी तो सब यही होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल एस के लिए है हाँ लेकिन कि अभी एग्जाम एस एस सी सीरियल चला है इसलिए मैं तो ज़्यादा लोग वही लोग पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है सब सभी एग्जाम के लिए है तो आप सब लोग पढ़ सकते हैं इसे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है मतलब ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो एक मार्शल आर्ट नहीं है ठीक है तो ऑप्शन देखते हैं इसके इसका पहला ऑप्शन है हमारा छाऊ दूसरा है लाजिम तीसरा है भावई चौथा है कलारी पट्टू तो इसका क्या हो जाएगा कल हम लोगों ने पढ़ा था भावई एक मार्शल आर्ट थोड़ी ना ये तो एक आर्ट फॉर्म है वो भी राजस्थान में की जाती है कुछ पार्ट गुजरात में भी किया जाता है इसका लेकिन मेनली राजस्थान में की जाती है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध नर्तक बाला सरस्वती निम्न में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे मतलब इन्होंने कौन सी नृत्य शैली में डांस करते थे किस में करते थे क्या ये कुचिपुड़ी में करते थे या फिर कथकली में करते थे या कथक ना ये करते थे भरतनाट्यम में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी मतलब ये किस स्टेट में हमारी कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत तो हुई ये पूछा गया तो ये पता होगा आप सभी को लगभग जानते होंगे कर्नाटका में यक्षगान है आं, आंध्र प्रदेश में भारत आंध्र प्रदेश में ही हुई कुचिपुड़ी की शुरुआत ठीक है और महाराष्ट्र में लावड़ी होता है गुजरात में गरबा होता है नहीं सीखते हैं चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है मतलब ये चेराव जो है इनमें से किस स्टेट का प्राचीन पारंपरिक नृत्य है तो देखते हैं ऑप्शन पहला हमारा ऑप्शन है मिजोरम दूसरा है छत्तीसगढ़ तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है गोवा तो ये बेसिकली कहाँ होता है ये होता है मिजोरम में चेराओ नेक्स्ट निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है यानी कि जम्मू जे एंड के का यानी जम्मू कश्मीर का इनमें से एक कोई लोक फोक डांस नहीं है तो कौन सा वो आप पहचानिए तो पहला क्या है धूमल या दूसरा क्या है हाफिज़ा तीसरा का रउफ की तो बहुत अच्छी तरह है आपको पता होगा ये होता है हाफिजा भी लग रहा है नाम से कि हाँ ये भी होता होगा वहां पर अब धूमल और डांगी में कन्फ्यूजन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डांगी डांगी कहा होता है डांगी होता है गुजरात में डांगी गुजरात में होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है लगभग इसमें 20 क्वेश्चन होंगे क्योंकि स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत बढ़ गया है हर एग्जाम में और एसएससी में तो कुछ खास करिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य में उत्पन्न हुआ मतलब ये जवारा नृत्य है ये धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है ये कहां किया जाता है ये किया जाता है गुजरात में या फिर केरला में या फिर राजस्थान में या फिर एम में तो ये कहाँ किया जाता है एम में नेक्स्ट देखते हैं भवई तथा कालवेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी मतलब ये जो भवई है कालवेलिया है ये कहाँ पर शुरू हुआ था किस स्टेट में तो अभी हमने आपको कल भी बताया था ये क्वेश्चन और पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले भी बताया पंजाब में तो ये है नहीं उड़ीसा में भी नहीं है असम में भी नहीं है तो ये कहाँ था राजस्थान में था राजस्थान में होता ये मेनली और अगर राजस्थान ना हो तो ये गुजरात मान लो वरना मेनली राजस्थान हो गई होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने मतलब किस राज्य में कौन सा डांस फॉर्म है ये बताना है कि सही कौन सा है तो दलखाई कर्नाटक में होता है या फिर कालवेलिया हिमाचल में होता अभी पढ़ा ये तो बिल्कुल नहीं होता ये तो होता है राजस्थान में और थाता जो है बिहार में होता है या फिर पटाइनी जो है केरल में होता है तो कौन सा ये भी गलत है ये भी गलत है पटाइनी ये केरल का ही डांस है ठीक है यही सही है हमारा आंसर नेक्स्ट देखते हैं कटुवासिक वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृक्षकटिका किसने लिखा है यानी कि मृक्षकटिका जो हमारा ड्रामा है वो सोशल ड्रामा है वो किसने लिखा है तो ये पढ़ा होगा आपने काफी मृक्षकटिका किसने लिखा है शूद्रक या शूद्र का ठीक है नेक्स्ट ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है तो ढीमसा कहाँ का ये बताना है आपको तो आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश राजस्थान या फिर कर्नाटक तो कहाँ का ये आई गैस आपने लगा लिया होगा आंध्र प्रदेश का ठीक है नेक्स्ट कथकली नृत्य ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है मतलब इसमें कितने फाइन आर्ट होते हैं कितने तरह के कितने फॉर्म होते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन है चार दूसरा है छ तीसरा है पाँच चौथा है सात तो इसमें कितने होते हैं इसमें होते हैं पाँच याद करने की एक ट्रिक भी है इसकी बता सकता हूँ मैं आपके लिए जैसे कि आप समझ लीजिए कि कत्थकली कैसे लिखा जाएगा कथ क ली तो इसमें क्या करें एक जितने अल्फाबेट हैं उतने आप यानी कि जितने लेटर हैं उतने आप गिन लीजिए एक लेटर दूसरा लेटर तीसरा लेटर चौथा लेटर और ई की मात्रा को भी एक लेटर गिर लीजिए पांच तो ये पांच फॉर्म होते हैं ऐसा कथकली से ही आपको ये ट्रिक एक्सर से है आप याद कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा है मतलब ये कौन सा स्टेट है जहाँ से ये डमहल होता है या फिर यू, यूनियन टेरिटीज़ तो पहला है डांस देख लीजिए कौन सा है डमहल ये अच्छे से पढ़ लीजिए डमहल डमहल कहाँ होता है हरियाणा में होता है या फिर अंडमान निकोबार में होता है या फिर जे में होता है या फिर अरुणाचल में होता है तो कहाँ होता है ये होता है जे में जे में होता है ये डमहल ऐसे कौन लोग करते हैं इसे मैन लोग करते हैं यानी कि पुरुष करते हैं वो भी वाटल एक वाटल ट्राइब है वहाँ की वो लोग करते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं इस डांस को कौन परफॉर्म करता है तो मैन करते हैं कौन सी जनजाति करती है तो एक वातल जन जन जनजाति है वातल ये परफॉर्म करती है ठीक है नेक्स्ट कुछ भी पूछ सकते हैं अच्छे से हर चीज़ से पढ़िए बारीकी से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मयूर भंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है तो ये किस राज्य का है मयूरभंज आपको पता होगा जिला कहाँ पर है अगर ये पता है तो उसके लिए बहुत आसान है मयूरभंज कहाँ है उड़ीसा में तो मयूरभंज के जो जंगल है फॉरेस्ट हैं वहीं पर यह डांस किया जाता है ठीक है फोक डांस नेक्स्ट सतरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है तो सतरिया कहाँ का है तो सतरिया आपको पता होगा कहां का है यह है असम नेक्स्ट प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है कहाँ का मिजोरम का अभी हमने को बतायागा थोड़ी देर पहले मिजोरम का मिजोरम का देखते आपको देखो, देखो दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन में ऊपर के क्वेश्चन बताइए देखिए रिपीट कैसे करा ऐसे करते हैं रिपीट माच है चेराव है ठांगटा या फिर याकचाम है तो कौन सा चेराव होता था मिजोरम में होता है तो यही है बस ये याद रखिए ये कैसे होता है आप ये पूछ सकते हैं कि ये बांस वाला नृत्य है ठीक है कौन सा बैम्बो डांस होता है ये बैम्बो डांस पूछ लेंगे बेम्बो डांस कौन कहाँ होता है तो मिजोरम में होता है उसका नाम क्या है चेराव नाम है नेक्स्ट धीमसा किस भारतीय राज्य का जनजाति नृत्य है अभी थोड़ी देर पहले आया धीमसा कहाँ था ये ऊपर ही रिपीट हुआ था दोबारा रिपीट हो गया 2020 में अरुणाचल नेक्स्ट मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोग नृत्य है मटकी पहचानी अब बिहार या फिर राजस्थान या फिर एम या फिर असम तो मां से मटकी मां से एम मध्य प्रदेश ठीक है ऐसे याद कर लीजिए नेक्स्ट लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है अब लक्षद्वीप का पूछा है और ये इम्पोर्टेंट भी रहता है कि लक्षद्वीप का अक्सर पूछते नहीं है और यही होता है जो वेटेज में लेकर चलता है क्वेश्चन में कुछ हम अच्छे कर लेते हैं कोल काली यही डांस है हमारा और एस में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जी का ही सब कुछ खेल है अगर आपने जी कर ली तो समझ लिया आपका सलेक्शन लगभग हो गया क्योंकि तो मैथ भी सब लोग कर लेते हैं लगभग आजकल और रीजनिंग तो सब कर लेते हैं हिंदी भी कर लेते हैं जिसमें हिंदी आती है और इंग्लिश भी कर लेते हैं एस वाले लेकिन जो जी का पोर्सन कर लेता है समझ लीजिए उसका वो लोगों से थोड़ा कुछ एज लेकर चल रहा है यानी कुछ तो आगे है वो और वही लोग ले जाते हैं तो जी अच्छे से तैयार करिए आप खूब प्रैक्टिस करिए खूब प्रैक्टिस कीजिए मैं सब करवाऊँगा आप कर लीजिए अगर आपको थोड़ा इसे ब्रीफली पढ़ना है बेसिक्स में जाकर पढ़ना है तो मयंक सर हमारे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो वो बेसिक से पढ़ाएंगे आप उन्हें पढ़िए और कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे उसे हिंदी पढ़नी है तो शेखर सर हमारे बहुत अच्छी हिंदी पढ़ा रहे हैं और कोई सी की तैयारी कर रहा है या फिर यू की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे अरपित सर पढ़ा रहे हैं पैटोगोजी वगैरह सी डी वो भी देख सकते हैं ठीक है बाकी मैं इंग्लिश कवर कर पाऊँगा बाकी मैं भी बहुत कुछ करवाऊंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विजिट करते रहिए नेक्स्ट वेदी एनखलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है तो किस राज्य का है बेदी एनखलम तमिलनाडु का है या फिर गुजरात का है या फिर मेघालय का है छत्तीसगढ़ का है तो कहाँ का है ये यह है मेघालय का बेदी एनखलम नेक्स्ट साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं मतलब ये साइला जो है डांस ये कहाँ का है और देखिए एक और क्वेश्चन कौन डांस करता है साइला नृत्य में लड़के करते हैं और कब करते हैं कटाई की ऋतु में यानी जब फसल हमारी कटी जाती है तो कहाँ का है ये है छत्तीसगढ़ का तो बहुत तरह से क्वेश्चन मिल सकते है। आप एक, एक चीज पॉइंट देखिए ये 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 ठीक है देख सकते हैं निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया गया है तो कौन सा न, कौन सा नृत्य है देखते हैं मिलान जो गलत है माधवी मुदगल ये तो ठीक है ओडिशी सी करती है नंदिनी सिंह कत्थक ये भी सही है और राधा रेड्डी ये भी सही है कुचिपुड़ी करती है इसका कौन सा गलत है ये गलत है इनके सरस्वती सेन ये क्या करती हैं ये भरतनाट्यम नहीं करती हैं कथक करती है अब आ गई हमारी यहां से हिस्ट्री लगभग मैंने 20 से 30 क्वेश्चन पच्चीस पढ़ लेते हैं तो है। एक दो क्वेश्चन तो आई जाते हैं कब लड़ा गया किसके बीच लड़ा गया था ये आपको याद होगा ये हुमायूं और शेर सूरी के बीच लड़ा गया था यह दूसरा युद्ध था इससे पहले फिफ्टी में एक युद्ध हुआ था वो चौसा में ही होता है हुमायूँ शेरशाह के बीच में उसमें भी हुमायूं हारा हुआ और इसमें भी हुमायूं हारा हुआ इसमें हारने बाद भाग गया हुमायूं हुआ। उसे भगा दिया जा भाग जाए फिर पंद्रह साल वो भटकता रहा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमायूं और शेर शाह के बीच चौसा की लड़ाई वर्ष में हुई छब्बीस जून को लड़ी गई थी तो ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन देखिए पूछा छब्बीस जून की लड़की कौन सी फिफ्टीन थर्टी नाइन ये हमारा चौसा का युद्ध ठीक है ये देखिए कैसे पूछा इन्होंने कि ये छब्बीस जून सर डेट दे रखी है डेट तो आप डेट भी रखिए छब्बीस जून पंद्रह कौन सा हुआ था ये हुआ था चौसा का युद्ध और वो पंद्रह मई को हुआ था शायद जो पहला युद्ध है बैटल कन्नौज ये सत्रह मई सॉरी कब हुआ था सत्रह मई को हुआ था ठीक है देखते। में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है तो कौन है वो कामर मिर्जा ये थे शिव सूरी या शाहमदित या फिर दारा शख को तो कौन नहीं था शेरशाह सूरी तो सूर वंश का था यही नहीं है सिंपल क्वेश्चन आया नेक्स्ट चौसा का युद्ध हुमायूं और के बीच लड़ा गया किसके बीच लड़ा गया आपको ही पता है हुमायूं और शेरशाह सूरी कौन जीता शेरशाह सूरी हुमायूं भाग गया शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा कहाँ पर है ये भी पता है आपको क्या दिल्ली में लोग दिल्ली मार देते हैं जाकर ना ये कहाँ है सासाराम में बिहार में ठीक है नेक्स्ट अकबर के बारे में पूछा जाएगा थोड़ा बहुत अब की मृत्यु उसके सिंहासन पर बैठने के लगभग पचास वर्ष बाद सोलह सौ में हुई थी उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था तो ये कौन है अकबर है नेक्स्ट ये क्या क्वेश्चन है जाट और सावर शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक प्रणालियों में से किससे संबंधित है तो देखो ऐसे हिंदी में जाट और सवार लग रहा पता नहीं क्या सुन लिया लेकिन आपने सुना होगा इस अगर हिंदी में सही से नहीं लिखा है जात है और सवार है और जात सवार किसने शुरू की थी या अकबर ने शुरू की थी, थी? मनसबदारी पता थी तो हमारा ऑप्शन होगा हो पर मनसबदारी तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार आप इंग्लिश देख लिया करिएगा एग्जाम में और इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है हर एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना का सामना किया था किसका सामना किया था इन्होंने कहता कि किसका अकबर का ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन बहुत आता है अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा को इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था किसे सौंपा था मतलब अकबर ने हुमायूं नामा लिखी थी तो उन्होंने किससे लिखवाई थी ये तो किससे लिखवाई थी ये आप बताइए पहला है जगत गोसाई बेगम क्या ये थी या मा, मरीज मारी उस जमानी या मरियम उस जमानी ये थी या फिर जोधा बेगम ये थी या फिर गुलबदन बेगम तो कौन थी गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम कौन थी ये हुम, हुमायूं की बहन थी कौन थी हुमायूं की बहन नेक्स्ट अकबरनामा और आयने अकबरी के द्वारा लिखी गई है मतलब किसके द्वारा लिखी गई अकबरनामा आइने अकबरी तो ये किसके द्वारा लिखी गई है अबुल फजल नेक्स्ट देखते हैं आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था तो किसने बनवाया था आगरा किला शाहजहां बनवाया था लोग ये मारेंगे बहुत मारते हैं लोग शाहजहां आगरा देखते ही शाहजहां बस ऐसा नहीं है अकबर ने बनवाया था शाहजहां ने दिल्ली का बनवाया था याद रखिएगा डेहली का नेक्स्ट शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं ये पूछा गया तो शुक्र, शुक्र के कितने हैं जीरो हैं ठीक है जीरो नेक्स्ट देखते हैं और सबसे ज्यादा किसके हैं शनि के हैं आप ज्यूपिटर ना लगा ये पहले जूपिटर था लेकिन अब शनि हो गया ठीक है सबसे ज्यादा शनि ग्रह हैं उपग्रह सेटेलाइट नेचुरल पृथ्वी यहां से हमारी ज्योग्राफी चल रही है ठीक ज्योग्राफी शुरू हो गई पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है लैटिट्यूड का जैसे कि हमारी जो अर्थ है यहाँ पे भूमत रेखा है अब यहाँ से ऐसे करके ये दूरी ना जाती है ये क्या होगा कौन सी रेखा होती है मैं लेटिट्यूड होती है कौन सी लेटिट्यूड ठीक है अक्षांश रेखा है नेक्स्ट उत्तरी गोलाद में ग्रीष्मकालीन संक्रांति दो हज़ार उन्नीस को हुआ मतलब उत्तरी गोलाद में ये ग्रीष्मकालीन समर सोलिस्टाइस कब हुआ समर सोलिस कब हुआ दो हज़ार उन्नीस में कब हुआ ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है ट्वेंटी फोर जून है और ट्वेंटी फर्स्ट जून है ट्वेंटी सिक्स जून है ट्वेंटी जून है तो कौन सा ऑप्शन है इसका ट्वेंटी फर्स्ट जून कॉमन है कॉफी जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है यानी कि यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में बात कर रहा है यूरोप की बात कर रहा है वहाँ पे किस नाम से इसे जानते हैं हंटर्स मून इंडिया में कहते हैं उसे क्या कहते हैं पौष पूर्णिमा कहते हैं या फिर माघ पूर्णिमा कहते हैं या चैत्र पूर्णिमा कहते हैं या फिर कार्तिक पूर्णिमा क्या कहते हैं उसे इसे कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा इंडिया में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन तेईस डिग्री तीस मिनट उत्तर पर भारत को लगभग दो हिस्सों में विभाजित करता है कौन करता है यानी कि जो हमारी अर्थ है उसे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पर कौन हमें डिवाइड करता है कौन करता है ये ये करता है इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा ये आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होगा ये भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको पता होगा राज्य भी पता होना चाहिए उसकी ट्रिक भी होती है लेकिन आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट याद कीजिए आप ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मानक समय की गणना के घंटा घर से की जाती है मतलब कहाँ से की जाती है हमारा हमारा टाइम लाइन कहाँ से जाती है तो कहाँ से जाती है आपको पढ़ा होगा आपने पढ़ा है इलाहाबाद से जाती है इलाहाबाद में कहाँ से जाती है इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से जाती है मिर्जापुर नेक्स्ट उत्तरी गोलाद में ग्रीष्मकालीन ऐनांत किस दिन होता है तो पता नहीं कैसे एनान्त लिख दिया गया क्या है ये यानी बोल समर सोलिस्टाइस से बात कर करें समर सोलिस्टाइट जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया बार बार यही पूछते मगर हिंदी में पता नहीं कितना खतरनाक कर देते क्वेश्चन लगता डर ऐसा पता नहीं ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है इसका क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर ट्वेंटी फर्स्ट मार्च या ट्वेंटी थर्ड सितंबर या फिर ट्वेंटी फर्स्ट जून तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ट्वेंटी फर्स्ट जून यही आंसर है अभी पहले भी पढ़ा था नेक्स्ट कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती अब देखिए आगे वही क्वेश्चन अभी बताया था आठ राज्यों से होकर गुजरती तो ये इसमें से किससे नहीं गुजरती तो ये मिजोरम से तो गुजरती है पहला ऑप्शन सही है गुजरात से भी गुजरती है त्रिपुरा से भी गुजरती है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती कहाँ से नहीं गुजरती महाराष्ट्र से नहीं गुज़रती तो ये आठ राज्य आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से कौन कौन से है? मैं बता देता हूँ आपको एक बार पहला है राजस्थान दूसरा है गुजरात तीसरा है मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड है और एक वेस्ट बंगाल और एक त्रिपुरा और मिज़ोरम ये आठों राज्य हैं आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए ठीक है नेक्स्ट अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिकी घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है क्या कहलाती है यानी कि अलास्का और उत्तरी कनाडा में ये घटनाएं है होती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत बर्फ़ जमी रहती है और इसमें आसमान में बहुत शानदार रंग देखने को मिलते हैं तो क्या कहलाती है ये कहलाती है उत्तरी ध्रुवी ज्योति इंग्लिश में क्या करते हैं इसे और बोरेल्स ठीक है औररा बोरेल्स नेक्स्ट निम्न में से किसका नई दिल्ली की तरह एक डिग्री के भीतर अक्षांश है अब ये क्वेश्चन तो बहुत डीप पूछा गया है इसे आप डायरेक्ट रख लीजिए रट लीजिए इसे एकदम कहाँ से माउंट एवरेस्ट ठीक है जोग्राफी आपको बहुत अच्छे स्प्रेट एक अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं अगर आते हैं तो ठीक होना उसे आप छोड़ दीजिए तुक्का मत मारिए ठीक है नेक्स्ट खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है यहाँ से हमारी पॉलिटी शुरू हो गई है और ये हमारे हमसे पूछा है सम्वर्थित वो सूची के बारे में बात कर रहा है जो हमारी सातवीं सूची में ठीक है देखते हैं तो खेल का विषय किस सूची में आता है किस में आता है संघ सूची में आता है या फिर राज्य सूची में आता है या फिर अवशिष्ट या फिर संवर्त, किस में आता है खेल जो स्पोर्ट्स हमारा राज्य सूची में आता है यार कर लीजिए अच्छे से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं के प्रावधान शामिल है तो कौन सी अनुसूची हमारी जिसमें हमारी पंचायती राज व्यवस्था है तो किस में है क्या नाइन्थ में है ये या फिर बारहवीं में या फिर ग्यारहवीं में या फिर दसवीं में तो कौन सी है यह है ग्यारहवीं शेड्यूल ठीक है नेक्स्ट भारतीय संविधान के निम्न में से किस आर्टिकल का संबंध यानी अच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है ठीक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेंटी है आर्टिकल थर्टी आर्टिकल फिफ्टी आर्टिकल ट्वेंटी फाइव है तो कौन सा आइए ये है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव कौन सा आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है तो मैंने ये पूछा कि हमारी जो छठी अनुसूची है इसमें से कौन सा एक राज्य नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता है उसमें कौन सा नहीं आता है उसमें नहीं आता है मणिपुनिया कौन सा नहीं आता है मणिपुनिया है तो जैसे कि इसे भी याद करने के क्या ट्रिका है मैं लिख देता हूँ ए टी एम ए टी एम में ऐसे करके याद कर लीजिए तो कौन सा है अरुणाचल है अब वो असम है त्रिपुरा है मिजोरम है और मेघालय है लेकिन क्या नहीं मणिपुर नहीं है तो ऐसे करके आप याद कर सकते है तो है? हैं सर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं देखिए ए टी एम ए टी एम में ए टी एम में ठीक तो ए टी एम से ए से हो जाएगा असम टी से हो जाएगा त्रिपुरा मेस हो जाएगा मिजोरम और मेस हो जाएगा मेघालय ऐसे करके कर आप याद कर सकते हैं कि जो हमारे ठीक है नेक्स्ट सकते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान यानी कि यूनियन टेरेटरीज की के बात हो रही है यूनियन टेरेटरीज किस भाग में तो किस भाग में ये हमारे यूनियन टेरेटरीज हमारे हैं एट पार्ट में ठीक है नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है कौन सा आर्टिकल बताता है ये ये बताता है हमारा आर्टिकल फिफ्टी फोर ठीक है राष्ट्रपति के आर्टिकल सारे याद कर लीजिए और मौलिक अधिकार सारे याद कर लीजिए डी पी सारे याद कर लीजिए ये बहुत आते हैं ये एग्ज़ाम याद कर लीजिए ठीक है अच्छे से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और वैयक्तिक सुतक गारंटी दे देता? देता है कौन सा देता है फ्रीडम ऑफ लाइफ तो ये देता है हमें आर्टिकल ट्वेंटी वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये हमारा कभी निलंबित नहीं होता है। कोई सा भी आपात का लग जाए लेकिन ये हमें हमेशा मिलेगा ठीक है बाकी कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपति कर देते हैं नेक्स्ट देखते हैं सेवेंटी थर्ड यानी तिहत्तर में संवैधानिक अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया कौन सा भाग जोड़ा गया भाग नौ जोड़ा गया था पंचायती वाला ठीक है नेक्स्ट देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया तो स्वास्थ्य अधिकार किस में दिया जाएगा ये तो आप लॉजिक लगाइए जिसमें हमें जीने का अधिकार है अगर हम मर जाएंगे तो हमारा जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा बीमारी से किसी मर गए तो कौन सा होगा वो आर्टिकल ट्वेंटी होगा जीने जीने का अधिकार जो देता है वह तो स्वास्थ्य अधिकार देगा नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार का पार्ट पूछा कौन सा पार्ट है ये पार्ट थ्री है पार्ट फोर में क्या है डी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है तो ये बताया गया कि मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कौन सी लिस्ट में तो ये आज का क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक छोड़ दिया है ऑप्शन है पहला रेसिडेंसरी पावर्स दूसरा यूनियन लिस्ट तीसरा स्टेट लिस्ट या फिर समर्थित सूची कौन लिस्ट तो इसका ऑप्शन आप हमें आंसर बताइए कमेंट में देखते हैं आपको कितना आता है और फिर हम आपको इसका आंसर कल बताएंगे ठीक है धन्यवाद हमारा चैनल सब्सक्राइब और कर लीजिएगा